24 फरवरी 2018 वो मनहूस दिन था जब हिंदी सिनेमा ने पहली बार सुपरस्टार श्रीदेवी को हमेशा के लिए खो दिया था। दुबई में उनके अचानक निधन से पूरा देश शोक में डूब गया था। कहा जाता है कि होटल के बाथरूम के टब में डूबने से उनकी मौत हुई थी। सालों तक बीवी के निधन पर बोनी कपूर ने चुप्पी साध रखी थी। अब फाइनली उन्होंने इस बारे में बात की है। श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी एक्टिंग, डांसिंग और खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी हीरोइनें फेल थी। ढलती उम्र से भी श्रीदेवी ने खुद को जवा और फिट रखा था। हालांकि उनकी जवानी का राज उनका स्ट्रिक्ट डाइट था, जो शायद उनकी मौत का भी कारण बना। बोनी कपूर ने 5 साल तक श्रीदेवी की मौत पर चुप्पी साधी। अब आखिरकार 5 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के निधन पर खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान बोनी कपूर ने कहा है कि ये नेचुरल मौत नहीं थी, ये एक एक्सीडेंट डेथ था। मैंने इस बारे में बात न करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि जांच पड़ताल और पूछताछ के दौरान मैंने 24 या 48 घंटे लगातार इस बारे में बात की थी। अधिकारियों को ऐसा करना पड़ा क्योंकि भारतीय मीडिया की तरफ से उन्हें बहुत प्रेशर आ रहा था। आखिरकार उन्हें पता चला कि इसमें कोई बेईमानी नहीं थी। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट समेत कई टेस्ट से गुजरा और जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ पता चल गया कि ये एक एक्सीडेंट था। बोनी कपूर ने बताया कि आखिर क्यों श्रीदेवी की मौत हुई। उनका कहना है कि श्रीदेवी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी कि वो कई बार बेहोश भी हो गई थी। बोनी ने कहा कि वो अक्सर भूखी रहती थी, वो अच्छा दिखना चाहती थी, वो ये सुनिश्चित करती थी कि वो अच्छी शेप में रहे। ऑन स्क्रीन वो अच्छी दिखती भी थी। जब से उनकी मुझसे शादी हुई थी तब से वो कई मौकों पर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कहते रहते थे कि उन्हें लो बीपी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके निधन के बाद नागार्जुन शोक जताने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो फिर से एक सख्त डाइट पर थी और इसी वजह से वो बाथरूम में गिर गई और उनका दांत टूट गया था। बोनी कपूर ने आगे कहा कि डॉक्टर के लाख समझाने के बावजूद भी श्रीदेवी नहीं मानी और उनके सख्त डाइट ने उनकी जान ले ली। बोनी कपूर ने कहा कि दुर्भाग्य से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कभी नहीं सोचा कि घटना इतनी गंभीर हो सकती है। फिल्म मेकर ने खुलासा किया कि उन्होंने कई बार उन्हें नमक खाने के लिए कहा लेकिन वो नहीं मानती थी। वो अक्सर बिना नमक के ही खाना खाती थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई।